बहुत स्वागत मेरे वरिष्ठ साथी नरेश जी योगेश जी थोड़े नाल गल कर चुके हैं। असी विशेष करके पार्टी ने फैसला किया है कि हुण लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर विस्तार दे नाल गल करना ऐसा ही ठीक रहेगा। मुद्दे तो बहुत ज़्यादा है, हुणे नरेश जी थोड़े नाल गल कर रहे थे और ऐसे मुद्दे है जिहदा जनता दे नाल डायरेक्ट संबंध है। अगर असी पंजाब दे विच अपने आप नूं सेफ ही महसूस नहीं करांगे और असी हमेशा पठानकोट नूं पंजाब नालों वखरा लैके चलते रहे हैं, तुहानूं याद होएगा सच में असी समझते सी कि साडे लोग जिहड़े है उन्हां दा करैक्टर वो पहाड़ दे लोगों दे नाल ज़्यादा मिलता है और सेफ्टी उन्हां लई इक प्राइम कंसर्न है। लेकिन परसों की अगर तुसी घटना नकाबपोश लोग दुकान नूं पिस्टल पॉइंट के उपर लुट के लै जाना, इस गल की कल्पना करना ही जड़ा है बंदे दे मन दे विच एक नवे तरीके का डर पैदा हो जाता है कि असी पठानकोट दे विच सेफ नहीं हाँ। और इस विषय नूं लैके देखो बहुत सारी घटना लॉ एंड ऑर्डर दी पहले भी हुई हैं, लगातार बाजार दे विच चोरियां चल रही सी, लगातार जो पंजाब दे विच हो रहा सी वो पठानकोट दे विच भी हो रहा सीगा। अज सवेरे ही पुलिस दे साडे कर्मियां नूं जख्मी कर देना गोली मार के, दो दिन पहले भी घटना हुई कि एसआई दीप मर्डर कर दिता, चार दिन पाँच दिन पहले लुधियाने दे विच एक व्यापारी नूं फिरौती देन दे लई उहदा किडनैपिंग फिर उन्हें गोली मार के जिहड़ा अज भी हस्पताल दे विच जिहड़ा वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक किहड़े पासे असीं जा रहे हैं सानूं तो समझ नहीं आती। वायदे की किते सी, क्या यह जनता का तन ध्यान भटकाने दे लई कि जिहड़े वायदियां दी गल कीती सी, चाहे वह भैणां नूं पैसे देने की गल सी 1000 रुपया महीना, चाहे वह माइनिंग के विषय के रिव्यूश जी ने बड़े विस्तार के नाल गल की है। लेकिन मैं बिल्कुल इन्हां नाल सहमत हाँ कि ये क्योंकि अज जिहड़े साडे कर्मी है चाहे वह राजमिस्त्री है लेबर के लोग है उन्होंने काम नहीं मिल रहा, माइनिंग की पॉलिसी अज तक नहीं बनी है जिहड़ी पॉलिसी कहिंदे सी 1 महीने के अंदर अंदर लैके आवांगे और उस कारण बेरोज़गारी जिहड़ी लगातार बढ़ रही है और क्राइम उस कारण बहुत बढ़ रहा। ये ना केवल पूरा पंजाब बहुत चिंतित है, पठानकोट के ऐसी घटनावां का होर होना और ऐसी घटना जिहड़ी पहले कभी नहीं हुई। असी प्रशासन को बेनती करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हुण ऐसे किसी भी विषय के उपर चुप नहीं बैठेगी, जो एक्शन लेना बनता है वह लिता जाएगा। बल्कि अज जे मुद्दों के उपर गल की है एक आप समा दे रहे हैं कि हुण असी हर मुद्दे को लैके जो साडे लोकतांत्रिक अधिकार है चाहे वह अनशन का है चाहे धरना प्रदर्शन का है उहदा असी पूरा पूरा उपयोग करांगे और अगले आने वाले समय च जो नगर निगम के उपर अलग ढंग दे नाल आपां गल करांगे किस तरीके दे नाल शहर के मुद्दों के विच लोग जिहड़े त्राहीमाम है। और अज आपां सिर्फ इन्नी गल दे विच प्रश्न चिन्ह प्रशासन के उपर कि अगर पठानकोट के विच दुकानदार नकाबपोश लोग और 8 बजे तो बहुत ज़्यादा लेट समा नहीं पिस्तौल की नोक के उपर अगर लुट कसुट होएगी तो असी किहड़े पासे जा रहे हैं, एक प्रश्न लगाते हुए उन्होंने ये चिता भी रहे हैं कि किसी भी कीमत के उपर ये घटनावां दोबारा नहीं होनिया चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक नहीं बनेगी और यदा पूरा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए ये उपर सख्त कदम उठाएगी, ये असी प्रशासन को कहना चाहते हैं। और असी उम्मीद करते हैं कि सरकार 1.5-2 साल तो हो गए लेकिन वायदे पूरे नहीं हुए, पठानकोट की जनता नूं भी कि झूठे वायदियां वाली सरकार तो बचना है। आने वाले समय चुनाव भी आने वाले है लेकिन असी चुनाव के अंदर असी वो देखना है कि पिछले 10 साल के अंदर या 9.5 साल के अंदर जिहड़े इस देश के अंदर काम हुए है और लोगों नूं इस बारे पूरा विश्वास है किसी तरीके दे लालच दे विच ना आंदे होए इस सरकार दे भी असी पिछले पूरे 1.5-2 साल दे काम दा अवलोकन करना है। अज इन्नी गल करदे होए तुहाडा सब दा धन्नवाद करदा, सारे प्रेस बंधुआं दा बड़ा बड़ा धन्नवाद। ओ इस इंसाफ दी लड़ाई ते जनता दे भलाई वास्ते जिहड़े आवाज़ असी बुलंद करदे हां उहदे च सारे भरावां दा अहम योगदान रहिंदा है, उहदे वास्ते असी समस्त साडी भारतीय जनता पार्टी तुहाडी आभारी है। 1.5-2 साल आप दी सरकार नूं होए है, पंजाब इन्हां ने करता बेहाल, पठानकोट ज़िले की जनता ते पंजाब की जनता त्राहीमाम कर रही है झूठे वादे करके ते गरंटियां
झूठियां गरंटियां दे के सब्ज बाग दिखाए बोली वाली जनता नूं साडे पंजाब दी ते सरकार बना ली 92 सीटां लिया के कोई एक भी गरंटी जिहड़ी है इन्होंने अपनी पूरी नहीं की। 550 रुपया रेता दे होर्डिंग लगाए वड्डे वड्डे इश्तहार लगाए तो रेता जिहड़ी है अज 6,000 रुपया सैकड़ा क्रेशर दे उत्ते मिल रही है। जे तुसीं एक ट्रॉली पठानकोट च मंगानी है एक सैकड़ा रेता तुहानूं 8,000 रुपये की मिल रही है। और रेता महंगा होण दे नाल मिस्त्री राज मिस्त्री वेले हो गए लेबर वेली होगी बेरोज़गारी संख्या देखो ये क्राइम क्यों वध रहा उहदे दो वजह है एक बेरोज़गारी जिहड़ी इन्हां ने करती 6,000-7,000-8,000 रेता पहुँचा के उहदे नाल राज मिस्त्री वेले हो गए लेबर वेली होगी कारपेंटर वेले हो गए तरखान भरा साडे वेले हो गए सीमेंट वाले वेले हो गए सरिए वाले वेले हो गए सारे वेले हो गए क्योंकि डिवेलपमेंट के काम जिहड़े विकास कर रहे सी सारे ठप्प हो गए। 550 दे वड्डे वड्डे होर्डिंग ते लगाए होर मुद्दियां दी ते भरमार ही है मतलब इन्ना क झूठ इन्होंने लोगों नाल बोलिया कि मतलब हुण रोना ही आता है। बाकी ज़्यादा नहीं कहांगा माइनिंग दा ते इन्होंने वो हाल किया भी जड़ी प्रॉपर्टियां ईडी ने अटैच की सीगियां इन्होंने वो भी 40-40 फुट जड़ियां माइनिंग दे इन्होंने मंत्री सीगे उन्होंने ते सरकार ने इन्ना क जबरदस्त भ्रष्टाचार किया सरकारी जगह शामलार जगह वो लोगों के नाँ कराती डीसी लैंड भी लोगों के नाँ के उत्ते होगी होर कई तरह के मुद्दे ईडी ने जड़ी प्रॉपर्टी अटैच की सी भी 40-40 फुट पटाती है। बस ज़्यादा नहीं कहांगे इन्हों शर्म आनी चाहिए है 550 का वादा करके अज 8,500 सैकड़ा तक एक इतिहासिक रेट तक पहुँचाता। जय हिंद जय भारत। मेरे प्रेस के मित्र आए हैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना समय कट के साड़ी एक छोटी जी कॉल से सारे जने साड़ी गल नूं सुनने वास्ते और शहर के जनता के अंदर पहचान से साडा सहयोग करते हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुद्दे तो इस समय पठानकोट के अंदर बहुत ज़्यादा चाहे नगर निगम के ने या होर ने पठानकोट सीवरेज व्यवस्था पानी की व्यवस्था बुरा हाल है कोई नहीं पूछ ला लॉ एंड आर्डर का बुरा हाल है। लेकिन अज एक स्पैसीफिक मुद्दा है साढ़े को जो कि शहर के अंदर साढ़े कभी नहीं होया लॉ एंड आर्डर पठानकोट के अंदर लॉ एंड आर्डर की बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है जड़िया चीज़ा कभी नहीं हुई वह भी पठानकोट हो रही। एक माइनिंग का मुद्दा जिहड़ी कि सरकार सस्ता देना चाहती सी वह भी 3 गुणा रेट हो गया तो वह भी नहीं मिलता उहदे बारे भी साडे जोगेश जी गल करनगे और अनिल वासुदेवा जी ने मेरे नाल विक्की रामपाल जी ने राजू जी ने सुरेश जी ने और शमशेर जी ने पारस जी ने और यही सारे मुद्दे ते असीं गल करनगे। लेकिन हैगा कि पठानकोट के शहर के लोग बहुत दुखी ने हर तरह ना त्रस्त ने जिहड़ा जीवन है लोगों का वो सेफ नहीं है पठानकोट के लोगों की जिंदगी सेफ नहीं है शरेआम जिहड़ियां घटनावां हो रही उहदे ते प्रशासन नकेल पाए और इहदे पठानकोट की पंजाब च भी यही हाल है। लेकिन साडे पठानकोट एक सेफेस्ट जोन गिना जांदा है जिथे इहोजीआं घटनावां नहीं सी हुंदीआं इस करके सारे अगे यो ही है बेनती कि ये पठानकोट की जनता इस दुख तो कि दूर तो करो क्योंकि सेफ कोई नहीं है अज ना कोई दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा सेफ है बहर जाके चलना रोड के उत्ते चलना तो होर अनसेफ है क्योंकि जो दुकान के उत्ते ही आके कोई पैसा लुट लैंदा दुकान पर दुकानदार बैठा है उन्होंने ही लुट के लै जाएगा तो फिर कितों रहेगा और दिन दिहाड़े ही शाम 8 बजे बस चलते बाजार के अंदर और एक वधिया इलाके पोश इलाके दे अंदर कोई उत्थे गल नहीं है उत्थे इस करके वो चीज़ों के उत्ते पूरा ध्यान दो। बाकी योगेश जी गल करांगे कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम जी हाँ नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स कुर्तीज और फैब्रिक्स सबसे सस्ता सबसे अच्छा डिफेंस रोड ममून पठानकोट कॉन्टैक्ट 9614196141। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।
प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड।